तो 2023 का लास्ट एंड फाइनल वीडियो गाइस, फाइनल, बिकॉज ये साल मेरे लिए इतना स्पेशल साल है, जिंदगी में सबसे अगर मॉन्स्ट्रस सबसे डायनामिक कोई चैप्टर मेरे लाइफ का होगा तो यही साल होगा, बिकॉज इस साल ने जितना कुछ दिया है शायद ही मेरे को नहीं लग रहा है आने वाले कोई साल में इतना एक साथ किसी एक साल में इतना कुछ मिला होगा। तो होप सो कि 2024 भी ऐसा ही हो, मेरा भी और सबका भी ऐसा ही हो। तो एडवांस हैप्पी न्यू ईयर सबको। मेरे को तो भाई एक बैड वाली फीलिंग आ रही है, ऐसा लग रहा है कि भाई मेरा मैजिक पेंसिल मेरे को हमेशा के लिए अलविदा बोल कर जा रहा है। इट्स लाइक 2023 फॉर मी, बिकॉज इसलिए कोई जगह स्टेटस वगैरह कुछ भी डाला नहीं अभी तक मैं, वो फील नहीं आ रही है भाई। चलो ठीक है, काम की बात करते हैं, काम पहले। एंड पूरा साल भर तो अभी शेव ही रहना है, इसलिए मैंने पहले दिन ही शेव कर दिया मैंने। तो डे नंबर 11 फॉर डंकी, डेट नंबर 11 भाई, ये फिल्म 11वें दिन अपना इतिहास रच रही है, क्योंकि कंपेयरिंग एक ड्रामेटिक फिल्म इतना लॉन्ग रन में कभी नहीं चली है। ड्रामेटिक फिल्म की बात कर रहा हूँ, डिस्पाइट क्लैशिंग विद एन एक्शन फिल्म, क्लैश में एक ड्रामेटिक, भाई नॉर्मली ड्रामेटिक फिल्म आई है 2020 के बाद से, आई गेस लास्ट ड्रामेटिक फिल्म जिसने इतना बड़ा कलेक्शंस किया था वो लग रहा था, मेरे को लग रहा है छिछोरे था, जो कि वो भी उसने भी 150 करोड़ का कलेक्शंस इंडिया में किया था, बस उसके बाद कोई ड्रामेटिक फिल्म आज तक मुझे नहीं लगता है कोई मतलब उस लेवल की कलेक्शंस कर पाई है जो एक्चुअली में मतलब पहले ड्रामेटिक फिल्म्स करते थे। स्टिल डिस्पाइट क्लैश, इसका जो सेकंड संडे है भाई, इसके इवनिंग शोस लगभग 60% का ऑक्यूपेंसी के साथ चल रहा है, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि इसका नाइट शोज सब मिलाकर, मुझे ऐसा लगा नाइट शोज में थोड़ा ड्रॉप होगा बिकॉज न्यू ईयर वगैरह, तो मुझे ऐसा लगता है कि नाइट शोज वगैरह सब मिलाकर इसका डे नंबर 11 का कलेक्शंस 13 से लेकर 15 करोड़ के बीच में आने वाला है, 13.5 या 14 करोड़ के आसपास इसका आने वाला है, और इसका टोटल कलेक्शंस 190 करोड़ क्रॉस हो जाएगा, और इसका वर्ल्ड वाइड का कलेक्शंस लगभग पकड़ के चलो 390 के आसपास हो जाना चाहिए 390-392 के आसपास हो जाना चाहिए, बिकॉज ओवरसीज के अंदर भी ये फिल्म गजब का कमाई करने वाली है भाई। ओवरसीज के अंदर सलार तो क्योंकि लगभग थिएटर से उसको हटा ही दिया गया बिकॉज उसके कलेक्शंस वन डिजिट्स में आ रहे थे, तो मेरे को अभी आया है कि इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शंस जो है टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शंस में ये सलार से भी 15 या 16 करोड़ एक्स्ट्रा कलेक्शंस ही करेगी, ग्रॉस कलेक्शन सब कुछ मिलाकर ओवरसीज का। तो लेट्स सी कि डे नंबर 11 का कलेक्शंस कितना आता है। एज ऑफ नाउ डे नंबर 11 का जो ऑक्यूपेंसी है 60% के ऊपर चल रहा है इवनिंग शोज का, आफ्टरनून शोज का 50% था, इवन सलार के कंपेयर में सलार का 42 था इसका 50 था, सलार का इवनिंग शोज का 54 में इसका 60% ऑक्यूपेंसी, इसका नाइट शोज डिसाइड करेगा ये फिल्म 14 से 15 करोड़ करती कि नहीं करती। मुझे ऐसा लगता है कि 13 से लेकर 14 करोड़ के आसपास ये कलेक्शंस करेगी, जो कि इसका टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शंस कल का मेरे को ऐसा लग रहा है 25 से 30 करोड़ के बीच में वर्ल्ड वाइड कलेक्शंस इसका हो जाएगा, जो कि इसका टोटल कलेक्शंस 390 के आसपास कर देगा वर्ल्ड वाइड। और मंडे यानी कि कल 1st of January को ये फिल्म 400 करोड़ क्लब के अंदर कूद जाएगी। तो लाइफ टाइम कलेक्शंस इसका अगर 500 करोड़ करना है तो मैंने बताया था और मैं उसको ट्रैक करता रहूँगा वो चीज़ को, बिकॉज मेरे लिए ये 500 करोड़ का क्लब खोलना बहुत ज़रूरी है, हैट्रिक ऑफ 500 करोड़ तभी होगा, वो एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड माना जाएगा, तो मैं ट्रैक करता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड एडवांस हैप्पी न्यू ईयर सबको। मेरे लिए भाई मेरे लिए थोड़ा दुख वाला है, मेरे को भाई वो एक फीलिंग हो गया भाई 2023 से, जो मेरे सब्सक्राइबर जो मेरे को इंस्टा में फॉलो करते हैं उनको पता है कि भाई इस साल मतलब क्या लेवल का साल था मेरे लिए, क्या कमबैक, क्या 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 था, खैर पूरा चैनल ही नहीं बचता मेरा, तो आज चैनल ही नहीं होता, क्या क्या स्टोरी हुआ मेरे साथ सबको पता है भाई। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ, और अगला वीडियो 2024 में मिलेगा।